हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को बताऊंगा रिमूव टू के बारे में ही। इससे पहले लेक्चर में मैं बता चुका हूं रिमूव टू के बारे में, जो प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस में होता था। लेकिन आज मैं आप लोगों को पास्ट टेंस का सेंटेंस बताऊंगा कि अगर कोई सेंटेंस पास्ट टेंस में है और टू के फॉर्म में है तो हम उसको कैसे रिमूव टू करेंगे। इससे पहले मैंने प्रेजेंट टेंस का बताया था, आप लोगों ने अगर वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग वीडियो जाके देख सकते हो। ठीक है, तो आइए ज्यादा लेट ना करते हुए मैं आप लोगों को ये सेशन स्टार्ट करता हूं। ठीक है, तो पिछले सेंटेंस में, तो पिछले वीडियो में तो मैंने देखा था कि हम लोगों ने कि प्रेजेंट टेंस में अगर सेंटेंस है तो कैसे हम उसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन यहां पे हम लोग पास्ट टेंस का एक सेंटेंस लेते हैं। ठीक है, वो सेंटेंस क्या है मेरा, आप लोग देख सकते हैं वो सेंटेंस क्या है। वो सेंटेंस है, श्याम वॉज टू स्लो टू रन। यहां पे क्या आ गया, वॉज वॉज आ गया, यानी सेंटेंस मेरा क्या है, पास्ट टेंस में है। तो पास्ट टेंस में तो उसको कैसे बदलेंगे, फॉर्म मेरा वही रहना चाहिए, सेंटेंस का जो फॉर्म है वही रहना चाहिए, एक टी डबल ओ और एक टी ओ ये रहना चाहिए। हमको सिर्फ पास्ट टेंस आ गया, वहां प्रेजेंट टेंस था, यहाँ पे पास्ट टेंस आ गया। ठीक है, तो इसके लिए रूल क्या है, इसके लिए रूल सब कुछ सेम है, आप लोग पिछले वीडियो में जाके देखिएगा सब सेम है। सिर्फ चेंज क्या हुआ है इस रूल में, बनाने के रूल में, सिर्फ यहाँ पे इज एम आर जो था उसके जगह में वॉज वेयर लगेगा, और जो यहां पे कैन नॉट था वहां पे कुड नॉट हो जाएगा। बस सेम यही चेंज करना है और कुछ भी चेंज आपको नहीं करना है। आप लोग पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं कि क्या करना है। वहां पे इज एम आर था तो उसके जगह में वॉज वेयर हो जाएगा, और यहाँ पे कैन नॉट था तो उसके जगह में कुड नॉट हो जाएगा। कब, जब सेंटेंस मेरा पास्ट टेंस में हो। जैसे श्याम वॉज टू स्लो टू रन, ये सेंटेंस मेरा पास्ट टेंस में है, तो इसको बनाएंगे कैसे, सेम इस नियम से बनाएंगे। ठीक है, कि श्याम जो सब्जेक्ट है वो लिख दिया श्याम, वॉज है तो वॉज वॉज वेयर के जगह में दोनों में से क्या आएगा, वॉज आएगा श्याम के लिए। ठीक है, टू को हटा दिए, सो लगा दिए, स्लो एडजेक्टिव जो था एडजेक्टिव लग गया, दैट जो था दैट भी लग गया। अब प्रोनाउन श्याम के लिए, यहाँ पे प्रोनाउन क्या हो जाएगा, ही। श्याम के लिए प्रोनाउन क्या हो जाएगा, ही। और यहाँ पे क्या लगा दिए, कुड नॉट। पहले क्या लगाते थे प्रेजेंट टेंस में, कैन नॉट, लेकिन अब क्या लगा दिए, कुड नॉट। और यहाँ वर्ब क्या है, रन, तो रन लिख दिए। समझ में आई बात, किसी तरह के कोई दिक्कत नहीं। जिस तरह का आपका वहां था सेम टू सेम उसी तरह करना है, सिर्फ आपको क्या करना है, वाज वेयर लगा देना है, वाज या वेयर। तो यहाँ पे श्याम के लिए वाज लगा तो वाज लगा दिए, और कैन नॉट के यहाँ में कुड नॉट लगेगा, क्योंकि पास्ट टेंस है, कैन का पास्ट टेंस कुड नॉट कुड होता है और इज का वाज होता है। समझ में आई बात, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, सेम है। उसी तरह से अगर यहाँ पे देखें, द बर्ड वॉज टू स्मॉल टू फ्लाई, द बर्ड वॉज टू स्मॉल टू फ्लाई, ये भी सेंटेंस अगर देखे हम तो ये भी मेरा पास्ट टेंस में। इसको टू को हम कैसे रिमूव करेंगे, इसको उसी तरह से रिमूव करेंगे, सेम इस प्रोसेस में, सब्जेक्ट जो का त्यो रहेगा, ठीक है, वॉज लगेगा सब्जेक्ट के हिसाब से, टू को हटाएंगे सो लिखेंगे, स्मॉल मतलब एडजेक्टिव जो था वो एडजेक्टिव सेम टू सेम रहेगा, ये एडजेक्टिव सेम टू सेम रहेगा। उसके बाद फिर एक दैट का प्रयोग करेंगे, इट का प्रयोग करेंगे, इट क्यों लगाए, इट इसलिए लगाएं क्योंकि ये प्रोनाउन है। किसका प्रोनाउन है, ये द बर्ड का प्रोनाउन है। ठीक है, कुड नॉट फ्लाई, कुड नॉट यहाँ पे हमको लगाना है क्योंकि ये पास्ट टेंस में है, तो हमको कुड नॉट लगाना है। फ्लाई ज्यों का त्यों रह गया, इसमें किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी को भी। आप देख सकते हैं पूरे अच्छी तरह से मैंने ये बनाया है, आप लोग इस नियम को याद कर लीजिएगा। ये नियम कब लागू होगा, जब सेंटेंस मेरा पास्ट टेंस में हो और टू के फॉर्म में हो, एक टी डबल ओ टू हो, एक टी ओ टू हो। और इससे पहले लेक्चर में आप लोग देख सकते हैं कि जब सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में था तो वहां पे हम लोगों ने कैसे बनाया था। ठीक है, आई होप गाइज आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर किसी तरह के आप लोगों को कोई दिक्कत है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।